Students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 6, Triangle and its Properties of Standard 7th Maths NCERT. अपन last lecture तक 6.2 complete कर दी थी, 6.3 भी complete कर दी थी. अपन 6.4 के साथ continue करेंगे. अपन last दो properties क्या पढ़ी triangles के अंदर, कि अगर triangle के अंदर एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये एक प्रॉपर्टी पड़ी. दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. दो चीजें पड़ी, एक पड़ी कि द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंड दूसरी बात क्या पड़ी, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्लियर. अब तीसरी बात क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल में जो साइड के मेजरमेंट्स होते हैं उसमें कोई भी दो साइड का मेजरमेंट तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए. कोई भी दो साइड के मेजरमेंट का एडिशन, द सम ऑफ आइदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. द सम ऑफ आइदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, सो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे. क्या पूछा इसके अंदर, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड. तुमको साइड के मेजरमेंट्स दे दिया, बताना है वो ट्राइंगल है या नहीं, मतलब पॉसिबल है या नहीं है. कैसे देखेंगे, कि दो छोटी वाली साइड्स को एड कर देंगे, एंड अगर उन दोनों का एडिशन तीसरी वाली साइड से बड़ा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है. तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या दिया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द थर्ड साइड वाला 5 सेंटीमीटर, मतलब द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड. देयरफॉर नॉट पॉसिबल, या इट इज नॉट अ ट्राइंगल. ठीक है, नॉट पॉसिबल. इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज्यादा होना चाहिए. दो साइड का टोटल तीसरे वाले साइड से ज्यादा होना चाहिए, कम या इक्वल टू नहीं चलेगा. सेकेंड, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. 3 + 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर पॉसिबल. ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर दो साइड्स को मिला के तीसरे वाले साइड से बड़ा है तो पॉसिबल है. थर्ड, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. दो छोटे को ही लेने का हमेशा तो ज्यादा प्रेफरेंस हाई रहता है, पता इजीली चल जाता है. 3 + 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर नॉट पॉसिबल. क्लियर, अच्छे से गो थ्रू कर दो. क्या बोला है, कि द सम ऑफ आइदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन ओनली इट द ट्रायंगल इज पॉसिबल. ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करना तो ही पॉसिबल है, वरना ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. इक्वल टू आए तो भी पॉसिबल नहीं, कम आए तो भी पॉसिबल नहीं, ज्यादा हो तो ही पॉसिबल है. अच्छे से इसको गो थ्रू करो, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं. That is, take any point O in the interior of a triangle PQR. सबसे पहले क्या बोला, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR. क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल क्या है PQR, जिसके अंदर एक पॉइंट है O. इधर भी रेंडमली मैंने एक पॉइंट रख दिया O. पी क्यू आर ट्राइंगल के इंटीरियर, मतलब अंदर एक पॉइंट है O, इज ओपी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, या ओपी प्लस ओ क्यू पी क्यू से बड़ा है. तो सबसे पहले अपन उससे ने क्या करेंगे, O को तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. O को क्या करेंगे, तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. क्या करेंगे, O को तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. तो ज्वाइन O टू ऑल द 3 पॉइंट्स, दैट इज P
PQN R. ठीक क्लियर है? तो कितने ट्राइंगल्स बने? Therefore, OPQ ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OQR विल बी फॉर्म्ड. अगर मैं इन O को सब जगह ज्वाइन कर लूंगी तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला, तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे. क्लियर? एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक है, तीन ट्राइंगल फॉर्म. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. मतलब दो सम ऑफ आइदर टू साइड्स, सम ऑफ आइदर टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. क्लियर? इधर ये तो अपन ने लास्ट टाइम भी पढ़ा, एकदम अच्छे से पढ़ा. आज जो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यही समझाया कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये ट्राइंगल की कंपलसरी प्रॉपर्टी है. क्लियर? अब प्रूफ क्या करना है? ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू मस्ट बी ग्रेटर देन पीक्यू. क्लियर? देयरफॉर इन ट्राइंगल ओपीक्यू, ओपी प्लस ओक्यू इज ग्रेटर देन पीक्यू. In triangle OPR क्या प्रूफ करना है? OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP. OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP. प्रूफ हो गया. In triangle OQR, OQ प्लस OR is greater than QR. Clear? तो ये तीनों चीज क्या होगी? प्रूफ होगी, क्योंकि तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे थे. सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ आइदर टू साइड मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ आइदर टू साइड मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये तीन ये चीजें प्रूफ हो गई. क्यों? क्योंकि तीनों ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं एंड ये तीनों ट्राइंगल है तो प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गए. ये पॉइंट प्रूफ हो जाएगा. क्लियर? तो अपन ने प्रूफ कर लिया अल्टीमेटली कि दो साइड का एज ही ट्राइंगल है, इसकी वजह से इसके दो साइड का टोटल थर्ड साइड से ज्यादा होगा. क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करती हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड. AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC, इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन टू AM. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थ्री में? क्या बोला है? ये एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर AM मीडियन है. मीडियन मतलब एग्जैक्ट BC के बीच में से जाता है AM, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब. क्लियर? ए ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर से AM मीडियन है. मीडियन है मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, जिधर से शुरू होता है उसके अपोजिट लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली बीच में से काटता है. क्लियर? तो ये क्या हो गया? BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में कट करेगा इसको, तो AM मीडियन हो गया. क्योंकि मीडियन बोला है, मीडियन हमेशा बीच में से कट करता है. अब क्या बोला है? इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, कैसे प्रूव करेंगे? ओके, अब इसके अंदर खुद भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इफ वी कंसीडर ट्राइंगल ABM
and triangle AMC, then in triangle ABM, ABM में क्या होगा, AB plus BM is greater than AM. AB एक ये एक ट्राइंगल है खाली ABM, तो इसके दिस प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ सम ऑफ आइदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तुमको लिखनी है, स्पेस नहीं, इसलिए मैं वापस वो प्रॉपर्टी नहीं लिख रही. लास्ट सम के अंदर से कॉपी कर देना, वो प्रॉपर्टी सबके अंदर लिखनी कंपलसरी है. सो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM. अब नाउ इन ट्राइंगल AMC, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM. अब मैम आपको कैसे पता चलेगा कौन सी दो साइड इधर रखनी कौन सी इधर रखनी है, पहले देखो प्रूफ क्या करना है. प्रूफ में ग्रेटर देन 2AM आ रहा है, तो मैं AM ये साइड रखना प्रिफर करूंगी. क्लियर? ये लॉजिक कैसे सेट होता है कि ये साइड क्या रखना है, वो साइड कौन सी साइड लेनी है. क्लियर? तो वो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली हिंट रहता है. क्या बोला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2AM, तो मतलब AM तो लेस देन वाली साइड पे ही है. क्लियर? तो मैंने AM हमेशा ये वाली साइड पे ही रखा. क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी एम प्लस ट्राइंगल ए एम सी. पूरा एबीसी ट्राइंगल मतलब क्या, इन दोनों ट्राइंगल का एडिशन पूरा ट्राइंगल हो गया. देयरफॉर इन दोनों को प्लस करना है ना, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. तो एबीएम मतलब क्या हो गया, एबी प्लस बीएम. क्लियर? एबी प्लस बीएम. और एएमसी मतलब क्या हो गया, प्लस एसी प्लस एमसी इज ग्रेटर देन, इधर भी एएम है और इधर भी एएम, तो एएम प्लस एएम हो गया is greater than AM plus AM. So AB plus, therefore AB plus, अब BM plus MC क्या होता है, BM plus MC क्या है, BC. BM plus MC क्या है, BC. BM plus MC, तो मैं पूरे मिला के एक BC लिख दिया, plus AC या CA, इसको मैं CA भी लिख सकती हूँ, is greater than AM plus AM क्या होता है, 2AM. AM प्लस AM क्या होता है, 2AM. सो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, हेंस प्रूव्ड. क्लियर? एक और बस सुनना, क्या बोला, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर से AM मीडियन है, और अपन को ये प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM. मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल में डिवाइड किया, फिर ये ट्राइंगल की ये दो साइड इज ग्रेटर देन दिस एंड ये दो साइड इज ग्रेटर देन दिस. अब पूरा ट्राइंगल मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल का समेशन, एडिशन दोनों ट्राइंगल का, तो दोनों ट्राइंगल का एडिशन करेंगे तो ये दो साइड का टोटल प्लस ये दो साइड का टोटल इज ग्रेटर देन, पहले भी है दूसरी बार भी है. क्लियर? क्योंकि पहले भी AM से ग्रेटर है, दूसरी बार भी AM से ग्रेटर है, तो 2AM हो गया. अल्टीमेटली BM प्लस MC क्या होता है, BC होता है, तो मैंने BM और MC को रिप्लेस कर दिया, इधर ब्रैकेट में लिख लेना, BM प्लस MC इज इक्वल टू BC. क्लियर? तो अल्टीमेटली हैंड्स प्रूफ हो गया, क्लियर प्रूफ. तो अच्छे से गो थ्रू कर दो, नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ. ओके, okay, continuing with the next sum, that is question number 4th. total 6 sum hai, total 6 tak aaj pura lecture pura exercise complete karke hi chodenge. clear? so question number 4, abcd quadrilateral matlab jiske andar ek aisa polygon jiske andar 4 line segments hote hain usko bolte hain quadrilateral. to a
बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, ये फिगर तुमको ऑलरेडी दे दिया है, क्लियर? ये फिगर तुमको ऑलरेडी दे दिया है, क्या बोला है? इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ओके, तो अगर अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे तो चार ट्रायंगल बनते, एक एक ऐसे एक ऐसे, अपन एक बार सॉरी ऐसे 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 और ऐसे, क्लियर? क्योंकि अपन को ये चीज को कंसीडर करना है, पूरे डायगोनल को कंसीडर करना है, क्लियर है? सो इफ वी कंसीडर ट्रायंगल एडीसी, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी को कंसीडर करूं, देयरफॉर मुझे डायगोनल हमेशा ग्रेटर देन में रखना है, क्लियर? मतलब लेस देन वाली साइड पर रखना है। एडी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन एसी, एडी प्लस डीसी इज ग्रेटर देन एसी इन ट्रायंगल बीसीडी, ये वाले ट्रायंगल के अंदर बीसी प्लस सीडी इज ग्रेटर देन बीडी, क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया, तो एबी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन एसी, एक बार एसी दूसरे बार एसी। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल ऐसे फ्रेम करना है कि अपने पास एक ना एक डायगोनल आना चाहिए, या एसी आना चाहिए या बीडी आना चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा, एबी प्लस एडी इज ग्रेटर देन बीडी, क्लियर? तो दो बार एसी आ गया और दो बार बीडी आ गया, क्लियर? दो बार एसी और दो बार बीडी। अब पूरा क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इन सबका समेशन, देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सॉरी बी सी डी प्लस ट्रायंगल एडीसी प्लस ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल एबीडी, ठीक है? एडीसी प्लस ट्रायंगल बीसीडी, क्लियर? अब इन सब का जो भी है वो लास्ट समय कैसे क्या तरह से लिख देंगे, देयरफॉर एडी प्लस डीसी, खाली अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पहले अपन सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो लिखेंगे, एडी प्लस डीसी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एबी प्लस बीसी प्लस एबी प्लस एडी इज ग्रेटर देन एसी प्लस बीडी प्लस एसी प्लस बीडी, क्लियर? अब इसमें एडी कितनी बार है, दो बार आ रहा है, डी सब कुछ दो बार आ रहा है, सीडी दो बार है, बीसी दो बार है, ये भी सब, तो ये टोटल दो बार है, तो टू इंटू ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू टू इंटू ए सी प्लस बी डी, ये भी दो दो बार है, इधर तक क्लियर हो गया? ये सब कुछ दो बार है और ये भी दो दो बार है, इधर तक क्लियर? अब टू इज इक्वल वो साइड चला जाएगा, देयरफॉर ए डी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन टू अपॉन टू, अपन इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाते ना, वैसे अपन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के भी वो साइड लेके जाते, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, तो टू डिवाइड में आ गया, टू टू कैंसल ए सी प्लस बी डी, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ए डी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, हैंस प्रूव, क्लियर? मैंने क्या किया, इस स्टेप से ट्राइंग देख, ऐसे एक बार ट्राइंगल लिया, फिर ऐसे एक बार लिया,
फिर ऐसे एक बार लिया और ऐसे एक बार लिया, क्यों? क्योंकि मुझे डायगनल को हमेशा एक साइड बनाना था, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू में ट्राइंगल ही लेना था, क्लियर? ग्रेटर देन में हमेशा इक्वल टू नहीं, सॉरी ग्रेटर देन में हमेशा ट्राइंगल का डायगनल ही लेना था। तो मैंने इस तरह से पूरा सम सॉल्व किया। ये आंसर का वीडियो रिपीट मोड पे 4 या 5 बार देखना तो ही समझ आएगा, क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, मैं एक सम कंटिन्यू करती हूँ। एंड इन सम, ये सम का, ये और इसके पहले वाला सम, ये पूरी एक्सरसाइज का एक सम एग्जाम में 100% पूछते ही पूछते हैं, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्विस्टेड है, अच्छे से ध्यान देना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। क्या बोला है? सिंस द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी, सॉरी, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटर, इज एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीए लेस देन, अभी तक अपन पढ़ रहे थे ग्रेटर देन, इसमें क्या बोला? लेस देन 2 into AC प्लस बीडी। ये क्वाड्रिलेटर है, डायग्राम नहीं दिया तुमको, खुद से ड्रॉ करना है। A, B, C, D, इसके डायगनल है, सॉरी, AC और BD, समझो अगर मैं इसको पॉइंट लिख दूं O, क्लियर? अब देखना कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है? इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 AC प्लस BD, क्लियर? अब सुनना अच्छे से, इसमें मैं इस टाइप से ट्राइंगल लूंगी, ट्राइंगल BOC इस टाइप से, क्लियर? तो इन ट्राइंगल BOC, अब BOC के अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूं BC इज लेस देन, BC इज लेस देन OB, मतलब दो साइड का टोटल ज्यादा होता है, राइट? तो OB प्लस OC, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, इसका मतलब क्या? BC इज लेस देन OB प्लस OC। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOB, AB इज लेस देन OA प्लस OB, इन ट्राइंगल AOD, AD इज लेस देन OA प्लस OD। जब भी लेस देन वाला बोला हो तो इस टाइप से ही सम करना है, क्लियर? इन ट्राइंगल DOC, CD is less than OC plus OD. Now, quadrilateral ABCD is equal to triangle BOC plus triangle, इन चारों को भी मिलाऊंगे तो quadrilateral हो जाएगा, क्लियर? प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल AOD प्लस ट्राइंगल DOC, क्लियर? इधर तक एकदम क्लियर है, ओके। अब इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड क्या करेंगे? BC प्लस AB प्लस AD प्लस CD इज लेस देन, अब सबके अंदर लेस देन वाला सिंबल है, OB प्लस OC प्लस OA प्लस OB प्लस OA प्लस OD प्लस DC प्लस OD, क्लियर? अब इसके अंदर OB कितनी बार है? 2 बार है। OC कितनी बार है? 2 बार है, सॉरी DC का से आएगा, OC आएगा, ये OC, OC 2 बार है, OA 2 बार है, OD भी 2 बार है, क्लियर? तो therefore BC, या मैं इस ऑर्डर में ले लू तो AB पहले लिखू प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 into
OB plus OC plus OA plus OD. Clear? अब अपन को ये चीज तो प्रूफ करनी है, अपन को AC plus BD प्रूफ करना है. Now, OB plus BD, OD sorry, OB plus OD क्या होता है? OB plus OD क्या होता है? BD is less than 2 into BD plus OC plus OA क्या होता है? AC. क्लियर? मैंने इन दोनों को ऐड करके पूरा वाला लिख दिया, तो ये क्या हुआ? Therefore, AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 into BC plus AC. Hence, proved. Important है, tough है, मुझे लेक्चर के अंदर नॉर्मल लाइव लेक्चर जब पढ़ाती होती ट्यूशन पे तभी भी ये पॉइंट, ये जो सम है वो चार चार पांच पांच बार करवाना पड़ता है, लेकिन तुम लोग रिपीट मोड पे देख सकते हो. एडवांटेज तुम लोगों को है, इसको रिपीट मोड पे देखो बार बार. और ये लास्ट तक फाइनल एग्जाम तक बच्चे पूछते रहते मैं वापस बताओ ना ये सब कैसे किया, तो ये चीज एकदम दिमाग में नहीं घुसेगी. और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की. क्लियर? इधर तुमको ब्रैकेट में एक और चीज लिखनी है, ओबी प्लस ओडी इज इक्वल टू BD and OA plus OC is equal to AC. ये तुमको ब्रैकेट में लिखना है. क्लियर? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, लास्ट सम करवाते हो, सबसे इजी सम ऑफ दिस लेक्चर लास्ट सम है, अच्छे से गो थ्रू कर दो एक बार. ओके, सो कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6, जिसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, मैं पूरा भी अब नहीं कर रही हूँ. क्या क्वेश्चन पूछा है? द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर. दो साइड्स के मेजर क्या है? 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. बिटवीन व्हाट टू मेजरमेंट शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल? तो हमेशा क्या करने का, 15 माइनस 12 एंड 15 प्लस 12. क्लियर? 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर, 15 प्लस 12 27 सेंटीमीटर. Therefore, इट शुड नॉट बी लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड नॉट बी मोर देन 27 सेंटीमीटर. मतलब 27 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए. 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो बिटवीन 3 एंड 27 ये मेजरमेंट आना चाहिए. क्लियर एवरीवन? इट शुड नॉट बी लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 27 सेंटीमीटर. सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम दिस एक्सरसाइज एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.